तो गाइस तो आज के लिए हम वाले बैटरी लेवल इंडिकेटर गाइस ये मार्केट में मिलता है, मेरे को पता है, पर गाइस वो बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, इसलिए अपन इसको चीप रेट में बना के रेडी कर देंगे। तो गाइस सुन ले गाइस, फिर जब भी सबको समझेगा वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपका काम भी नहीं करेगा, और आप स्क्रिप देखोगे तो भी ना आपको कुछ भी काम नहीं करने वाला। तो सुन ले गाइस, वीडियो को ना होचे बिना चैनल को सब्सक्राइब ना लाइक ना शेयर बनाना शेयर करना। गाइस बैटरी इंडिकेटर बनाने के लिए आपको जरूरत होगी एलईडी लाइट की, कुछ इस प्रकार से मैं दिखाता हूं गाइस, कुछ इस प्रकार एलईडी लाइट की जरूरत होगी। ये मैं ले रहा हूँ रेडियो लाइट के, एलईडी लाइट 5 mm में, कुछ इस प्रकार से एक दो ये दो पीस ले रहा हूँ, और एक ग्रीन कलर में भी 5 mm में। ओके गाइस आपको ये भी ले लेनी है कि बड़ी लाइट होती है जो प्लस होती है और छोटी लाइट होती है जो माइनस होती है। आपको ये तीन पीस एलईडी लाइट चाहिए होगी जिससे अपन देखेंगे इसमें कितने वोल्टेज होगी होगी बैटरी में। ओके और आप ना आपको चार रेजिस्टेंस चाहिए होंगी, कुछ इस प्रकार से ये तीन है और ये एच होता है। ओके कुछ इस प्रकार से मैं दिखाता हूँ आपको, कलर कोटिंग दे देता हूँ पहले, कुछ इस प्रकार से आपको ये चार ले लेने क्योंकि ना इससे इस काम होगा। ओके गाइस कुछ इस प्रकार आपको ये ले लेने, एक आपको पीवी स्ट्रीट का टुकड़ा करके लेना है कुछ इतना सा जिससे अपनी एलईडी लाइट भी लग जाए, और ना कुछ इस पर छेद करेंगे इसके, और इधर आपको ना दोनों तरफ के ना यहाँ पे पीसीएस भी कट कर लेने हैं जिससे ऐसे बॉक्स बना सकेंगे अपन इसको। ओके कुछ इस पर कर लेना है, और बीच में एक ना यहाँ पे स्केच लाइन से ड्रॉ करने नहीं है जिसमें एलईडी लाइट का ना बीच में मिडिल निकल जाए। जल्दी से कर लेते हैं, कुछ इस पर हो चुका है यहाँ पे ना, फिर छेद करेंगे। पहले क्या करते अपन को लेना है सैंड पेपर, उसको क्या करना है फिर ना ये एलईडी लाइट है ना इसको यहाँ पे थोड़ा रफ कर लेना है, यानी घिस लेना है। ओके जिससे क्या होगा कि इसमें ना फोकस होता है, जिससे क्या होता है वो फोकस ना वो एक ना यहाँ पे एक स्ट्रेट फेंकता है, जिससे क्या होगा कि ना वो अपने ना वो अच्छा भी नहीं दिखेगा, वो उस पर ना फोकस जाएगा, इसलिए ना इससे ना फैलेगी लाइट है ना जो उसके ऊपर फैल जाएगी। ओके इसलिए अपन ऐसे कर रहे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। गाइस मैंने कुछ इस पर रफ कर लिए हैं, अब क्या करते हैं इसके अंदर छेद कर देते हैं। ओके गाइस इस एलईडी के साइज के, ओके जल्दी से कर लेते हैं। गाइस हमने छेद तो कर लिया, अब एक एलईडी लाइट को यहाँ पे चिपका लेते हैं, तीन एलईडी लाइट को। ओके कुछ इस प्रकार हो चुका है, अब क्या करते हैं इसके प्लस को यहाँ पे लगाते हैं, इसके माइनस को यहाँ पे लगाते हैं, इसके प्लस को यहाँ पे माइनस पे लगाते हैं, कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं जल्दी से। जैसे कुछ इस प्रकार मैंने ना इसके ना माइनस प्लस माइनस को ना इसके प्लस पे जो लगा दिया है, इसके माइनस को इसके प्लस पे लगा दिया। ओके गाइस यहाँ पे निकला माइनस, यहाँ पे निकला प्लस। ओके गाइस अब क्या करते हैं एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे बीच में लगाएंगे, एक को यहाँ पे, एक यहाँ पे, कुछ इस प्रकार यहाँ पे एक लग जाएगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे लग जाएगा, और एक यहाँ पे लग जाएगा, चारों को यहाँ पे लगा देंगे, जल्दी से लगा लेते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार मैंने गाइस कर लिया है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा लिया है सब पे चार चार। अब क्या करते हैं एक रेड वायर लेंगे जिसको तो ना यहाँ पे लगा देंगे इस पे। ओके इसको ना एक्स्ट्रा लेंगे, जिसको भी कट कर लेंगे क्योंकि ना इससे ना इसका कोई काम नहीं। ओके इसको कट कर लिया, कुछ इस पर आपको इनके ज्यादा एक्स्ट्रा लेंगे ना इसको ऐसे कट करना है। ओके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके इस रेजिस्टेंस लेग पे। ओके इसको अपने को इसके साथ में नहीं जोड़ना है, ऐसे कुछ इस प्रकार से ना ऐसे कर लेना है इसको, कुछ इस प्रकार से जैसे कुछ इस पर यहाँ पे लगा लेना है, और एक वायर लेना है ब्लैक कलर का, इसको ना यहाँ पे तीनों को रेजिस्टेंस के आपस में मिला लेना है कुछ इस प्रकार से, और फिर यहाँ पे इसको ऐसे निकाल लेना है और इसको ऐसे निकाल लेंगे, जल्दी से यहाँ पे कर लेते कनेक्शन। तो जैसे कुछ इस प्रकार से मैंने एक रेजिस्टेंस को कम कर लिया क्योंकि गाइस ना वो रेजिस्टेंस कम करना पड़ा क्योंकि एक ज्यादा एक्स्ट्रा में लग गया था। ओके गाइस कुछ इस प्रकार हो चुका है, ऐसे तो अपन इसको टेस्ट नहीं करने वाले हैं, इसलिए अपन ने वो स्ट्रिप कट की थी इसको जल्दी से पहले यहाँ पे चिपका दी, फिर इसको बॉक्स से बनाएंगे। ओके जल्दी से यहाँ पे चिपका लेते हैं, कुछ इस प्रकार मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब क्या करते हैं कि इसके अंदर ना बीच में ऐसे नहीं रखेंगे अपन इसको ना, ऐसे ना पीसेस लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, जिससे क्या होगा कि ना इसकी लाइट एक तरफ ही आएगी एलईडी लाइट की, जिससे अपने को अच्छे से ब्लिंक शो करेगी। ओके कुछ इस पर यहाँ पे ना इसको जल्दी से यहाँ पे चिपकाएंगे। ओके कुछ इस पर यहाँ पे चिपका लेते हैं जल्दी इसको इसको, और एक पीस यहाँ पे भी लगाएंगे जल्दी। गाइस कुछ इस पर मैंने यहाँ पे कर लिया है, अब क्या करते हैं ना इसको थोड़ा सैंड पेपर जैसे रफ कर लेते, फिर इसके ऊपर क्या लगाना है मैं दिखाता हूँ आपको। फिर मैंने अच्छे से रफ कर लिया जिससे ना ये स्मूथ हो सके कुछ इस प्रकार से। अब क्या करते हैं इसके ऊपर कुछ लगाने के देखेंगे, ऐसे तो अपन नहीं चला सकेंगे इसको क्योंकि ना अच्छा नहीं लगेगा, इसके ऊपर ना अपन व्हाइट चार्ट पेपर लगा देंगे दिल्ली से। जैसे कुछ इस प्रकार मैं चार्ट पेपर ले रहा हूँ, इसको ऐसे करके इसको ना फेवी से चिपका देंगे जल्दी से, यहाँ पे फेवी से चिपका देते हैं। बन के रेडी हो चुका है, कुछ इस प्रकार मैंने यहाँ पे थोड़े मार्क कर दिया जिससे अच्छे से दिख सकेगा। अब क्या करते हैं 5 वोल्ट देख के देखते हैं इसकी कैसा वर्क करता है। ओके गाइस इसको ना वायर को छिल लेते हैं, माइनस में माइनस लगाएंगे, प्लस पे प्लस। ओके गाइस जब तक आप क्या करो लाइक कर दो एंड जिनको सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस
जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे ना, मैंने माइनस को ना ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लगा देंगे जल्दी से। ओके गाइस कुछ इस पास लग चुका है, अब क्या करते हैं इसको ना यहाँ पे लगाते हैं। जैसे कुछ इस पास चल रहे हैं, मैं आपको स्टूडियो लाइट बंद कर देता हूँ ओके, तब भी से आपको समझ में आएगा। जैसे कुछ इस पास से ना बहुत अच्छे से दिख रहा है गाइस, पर आपको ना शो नहीं होगा कैमरे में ओके। तो जैसे गाइस एक यानी क्लिक ब्लिंक हो रही है, यानी कि ना ये ना 12 वोल्ट का होगा गाइस, ये कुछ इस पास से आपको दिख रहा होगा, कुछ इस पर ये ग्लो कर रहा है। अब क्या करते हैं इसमें 12 वोल्ट का देखते हैं कि 12 वोल्ट की सप्लाई, जैसे 12 वोल्ट एक 1.5 एम्पियर ओके, कि कितने वोल्टेज पे चलता है या फिर नहीं ओके। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं कनेक्ट। जैसे कुछ इस पर इसके आ चुके हैं पिन, अब क्या करते हैं इसमें प्लस में प्लस लगाते हैं, माइनस में माइनस लगाते हैं। गाइस में मेरे को पता नहीं है 12 वोल्ट है भी या फिर नहीं, ये उड़ तो नहीं जाएगा गाइस। देख दो गाइस चल गया है, देख दो मैं आपको लाइट बन के देता हूँ, अच्छे से दिख जाएगा। जैसे कुछ इस पर चल रहा है, ये बीच वाली लाइट भी चल रही है आपको दिख रही होगी, देखो प्राइस है ना ये थोड़ी कम दिख रही है आपको ओके गाइस, कुछ इस पर यहाँ पे दिख रही होगी, मैं दिखाता हूँ। देख सब चल रही है गाइस लाइट, यानी कि अपना 12 वोल्ट का इंडिकेटर है गाइस, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है ओके गाइस। कुछ इस पर आप बना के ना आप इसको यूज ले सकते हो ओके गाइस डेली ओके। कुछ इस पर ना आप 12 वोल्ट की ना बैटरी बनाते हो ना, उसमें भी ये लगा सकते हो, जिससे ना बहुत अच्छे से दिख जाएगा कि ये 12 वोल्ट है भी या फिर नहीं। 5 वोल्ट में एक लाइट चलती है, 10 वोल्ट में मेरे को पता होगा तो 10 वोल्ट में इतनी चलेगी ओके गाइस, और यह कितने भी चल सकती है। मैंने अभी ट्राई नहीं किया 10 वोल्ट पे, यहाँ 5 वोल्ट चल रही है, यहाँ पे 10 वोल्ट यहाँ पे देख लेंगे ओके गाइस। कुछ इस पर यहाँ पे चल रही है वर्किंग कंडीशन। अब लिथियम आयन बैटरी को देखते हैं कि चला के कि चार्ज है फिर नहीं है, कितने इंडिकेट करती है ओके गाइस। अब इसको इंडिकेट तो कर चुके हैं, दिख नहीं रही होगी, अब मैं कैमरा लाइट बंद करता हूँ। जैसे कुछ इस प्रकार से ना यहाँ पे ये इंडिकेटर हो रहा है, यानी कि फर्स्ट यानी कि पुल चार्ज है 5 वोल्ट तक, इसलिए ना इतनी शो हो रही है। देखते हो कुछ इस प्रकार से ओके, कुछ इस प्रकार ग्लो कर रही है। तो आपको गाइस कैसा लगा बैटरी इंडिकेटर मेरे को बताना, कुछ इस प्रकार से ना आप बना सकते हो इसको यू ले सकते हो, 12 वोल्ट में काम करता है। कुछ इस बारे में कोई फेक वीडियो नहीं थी ओके गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।